नमस्कार, TNN 24 में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। हम इस समय अचलपुर में हैं, जो किसी ज़माने में राजधानी रह चुकी है। अचलपुर एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ यहाँ एक दरगाह फेमस है, जिन्हें शाह दुलारहमान गाजी के नाम से जाना जाता है। देश ही नहीं देश और दुनिया में प्रख्यात है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम कुछ बात करेंगे शाह दुलारहमान गाजी की। वो स्टोरी पे हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि किसी ज़माने में राजा इल यहाँ एक राजा होता था, जिसका राज्य चलता था, और उसी ज़माने में एक फ़कीर दीक्षा यानी कि भीख मांगने के लिए वो उसके दर पे गया और उसने बीच की कलमे की उंगली को काट दिया। उसके बाद वो इंसाफ चाहता था, इंसाफ चाहते चाहते किसी ने इंसाफ नहीं दिया और वो गजनी पहुंचा। गजनी जाने के बाद वहाँ शाह दुलारहमान गाजी की मंगनी का रस्म अदायगी की जा रही थी। उसके बाद उन्होंने अपनी गुरहा लगाई कि मुझे इंसाफ चाहिए, और उसी को बात को लेकर शाह दुलारहमान गाजी दूल्हा बनने के बाद भी इंसाफ और हक के लिए, उस गरीब के लिए जंग के लिए तैयार हुए, और लड़ाई करते करते बैतूल होते हुए वो अचलपुर पहुँचे। उसके बाद काफ़ी बड़ी स्टोरी है, मैं आपको दूसरे हमारे एपिसोड में दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि सालाना उर्स शरीफ 10 तारीख को शुरू होगा। रस्म मंगनी अदा की जा चुकी है, उसके बाद भी सालाना उर्स शुरू होगा। ताजुद्दीन बाबा के उर्स के बाद अचलपुर का उर्स शुरू होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ।